नमस्कार, सांगो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रवि राठौर। आज हम जिस मुद्दे पर आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वह सांगोन में कई प्रकार की असुविधाएं हैं स्वच्छता को लेकर, वह अव्यवस्थाएं हैं जो पालिका प्रशासन जिन पर पालिका प्रशासन व आमजन का ध्यान नहीं है। तो आज इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सांगोन के ही आमजन, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है सांगोन की अव्यवस्थाओं के बारे में। नमस्कार, स्वागत है सांगोन न्यूज में। सांगोन में जो अव्यवस्थाएं हैं सफाई को लेकर, उन पर आपका क्या कहना है? सांगोन में सफाई व्यवस्था के बारे में नगर पालिका की कंडीशन बहुत ही खराब है। अभी अभी वर्तमान में जब सांगोन में 8 लाख रुपए का जो सुलभ शौचालय बनाया गया है, इसमें गंदगी के इतने ढेर लगे हैं कि शायद इसको बनाए हुए 2-4 साल हो गए। इसकी टूटियां जगह जगह से टूटी हुई है। पानी की टंकी ऊपर जो रखी हुई है उसको भरने की कोई व्यवस्था नहीं है और रोजाना इसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी सफाई महीने में 1-2 बार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो भगवान भरोसे। दूसरी बात, कहा आप यहाँ गांधी चौराहे पे देख रहे होंगे, मेन गांधी चौराहे पे इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ पर आम जनता का निकलना ही दुश्वार हो गया है। आए दिन इसमें मच्छर पैदा होते हैं और अभी जो महामारी फैल रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये गंदगी है। हाँ, नगर पालिका प्रशासन ने जगह जगह कचरा पात्र भी रखवा रखे हैं, लेकिन उन कचरा पात्रों का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसमें कुछ आम जनता की भी गलती है, उनको भी एक अपना कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालना चाहिए। तो ये थे हमारे सांगोन के साथ आमजन, जिन्होंने अपने मुंह से सांगोन में जो अव्यवस्थाएं हैं उनका आपके सामने जिक्र किया। और जैसा हम आपको विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं कि जो हमने हमारे कैमरों से शूट किया है, सांगोन में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कचरा पात्र तो है लेकिन उनमें कचरा नहीं है, उनके आसपास कचरा है, जैसा कि आप विजुअल्स में पीछे देख पा रहे हैं। लोगों से आपका सांगोन की सफाई के ऊपर जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है उन पर कुछ कहना है? यहाँ पर अव्यवस्थाएं तो बहुत सारी फैली हुई है, जैसे अपने बस स्टैंड पे बहुत गंदगी फैली हुई है, कहीं पे गड्ढे पड़े हुए, पानी भरा हुआ है। अगर बात करें अपन तो अपने जो नया पेशाबगढ़ बना है उसकी अपन बात करते हैं, उसमें एक तो टूटी हुई है पानी की, पानी भी व्यर्थ बहता रहता है उसमें। नगर पालिका इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती है, कई बार अवगत भी करा चुके हैं नगर पालिका को इस बात के लिए, पर कोई ध्यान नहीं देता है। नालों की सफाई बराबर हो नहीं पा रही है और जो अव्यवस्थित ठेले खड़े रहते हैं सांगोन में उनकी व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए। और जैसे अभी अपने गांधी चौराहे पे जो पानी भरा रहता है, फव्वारे से, चाहे फव्वारे से निकलता हो चाहे गड्ढों में भरा रहता हो, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ की नगर पालिका को और आम जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि घर घर में कचरा पात्र रखें और जो कचरा निकलता है उसको अपने ही घर पे यानी किसी कचरे पात्र में डालें और सुबह सुबह उसको ट्रॉली में डालें जो अपने सफाई कर्मचारी लेके आते हैं। हमने सांगोन में बहुत सी जगह देखा है कि कचरा पात्र रखे हुए हैं लेकिन उनमें कचरा आसपास बिखरा हुआ है, कचरा पात्र में नहीं, उस पर आपका क्या कहना? ये तो आम नागरिक को सोचना चाहिए कि कचरा कहाँ डालना चाहिए। अगर आम आदमी जागरूक हो जाएगा तो अपना आप कचरा पात्र में डालने लग जाएगा। इसमें नगर पालिका की गलती नहीं रहती है, नगर पालिका हर जगह कचरा पात्र रखवाती है, ये तो आम नागरिक का जागरूक होना अवश्य होना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा सांगोन में कई जगह सफाई से जुड़ी कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है। प्रशासन के साथ साथ आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि वह जिस प्रकार अपने घरों की साफ सफाई रखते हैं ठीक उसी प्रकार सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की भी सफाई रखने का प्रयास करें। आप सफाई से जुड़ी कोई भी खबर या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर व हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।